हमारी लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुई थी दैट वाज ऑन द आईडिया ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? हमने मोमेंटम के पर्सपेक्टिव को समझा था कि मोमेंटम कहाँ किसे जाता है. उसमें हमने इंपल्स की लॉजिक समझी थी, हमने फोर्स की अंडरस्टैंडिंग की थी, ठीक है? ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी. अब हम शुरुआत करें जरा एक डिफरेंट चैप्टर के ऊपर, पर इंशाल्लाह हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कराएंगे आपको. ये चैप्टर कंपैरेटिवली सिंपल है, इट्स मास, वेट एंड डेंसिटी. इस चैप्टर के अंदर आप कुछ बहुत रूट कंपोनेंट्स या आपके कैरों के कैलकुलेशन के बिल्कुल फंडामेंटल आइडियाज के ऊपर बात करेंगे. हया हमारे तकरीबन चार चैप्टर्स हो गए. वी हैव डन फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, वी हैव डन काइनेमैटिक्स, वी हैव डन डायनामिक्स एंड मोमेंटम. अभी हम मास वेट डेंसिटी पे हैं और इससे अब हम आगे अब चलेंगे. जैसे मास वेट डेंसिटी कर लेंगे उसके बाद वी विल बी डूइंग योर क्या लो के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, सही है? फिर हम करेंगे प्रेशर, वर्क एनर्जी, पावर, डिफॉर्मेशन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Yes, don't worry about that. आपको मिल जाएगी बेटा. कुछ तो मेरे recorded lectures मेरे YouTube channel पे पड़े हुए हैं जो fundamental chapters के हैं, जो कह लो कि नया है content, जैसे momentum वाली चीज, उसके recordings में upload कर दूंगा तो आप उसको भी वहां से access कर लेना. अच्छा भाई, अब हम शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे from the idea of mass. जी बेटा मिल जाएंगे. मैं कर दूंगा बेटा हारिस. देखो जब आप बात करते हैं मास के कॉन्सेप्ट के ऊपर ना, भाई मास क्या चीज होती है, तो इसका एक तरीका डिफाइन करने का वो ये है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी. किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सब्सटेंस में कितना मैटर मौजूद है, उस चीज की क्वांटिटी को आप मास कहा करें. अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी वाज बेसिकली डिफाइंड एज मास. लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन भी, और वो डेफिनेशन है इनर्शिया के टर्म्स में, कि बाय द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास. The measurement of inertia is called mass. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर व्हाट्स इनर्शिया, ये इनर्शिया क्या चीज है, ठीक है? अच्छा, बिफोर आई एक्सप्लेन यू इनर्शिया, मैं कुछ मास के बारे में पहले बातें मुकम्मल कर दूं कि भाई इट इज समथिंग दैट यू मेजर इन किलोग्राम्स एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, मींस इट डजंट हैव अ डायरेक्शन एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मास. ठीक है, इट्स समवन इज लाइक फॉर एग्जांपल कोई आपसे आपका मास पूछे, भाई आपका मास कितना है, तो आप से बता देगा भाई ठीक है मेरा मास 60 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है, जो भी आपकी वैल्यू थी. अब उसके बाद आगे आपसे कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि अच्छा इन विच डायरेक्शन इज योर मास एग्जिस्ट. आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है, तब इन विच डायरेक्शन का क्या मतलब, मास की डायरेक्शन कब होती है? इट्स इन साइड माई एंटायर बॉडी, मेरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये थोड़ी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ी है इसके अंदर, कि मैं मास आपके पास 30 डिग्री के एंगल पे मेरा मास. इट्स एक्चुअली एन इनवैलिड स्टेटमेंट, मास डजंट हैव अ डायरेक्शन, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, अब ये जो मैंने बात कही थी, जो मेरी दूसरी स्टेटमेंट थी, द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास, इसमें इनर्शिया को समझना बहुत जरूरी है कि इनर्शिया किसे कहा जाता है. क्योंकि अगर फंडामेंटली इनर्शिया ही एक ऐसी चीज है
जिसकी वजह से किसी चीज को उसका मास मिलता है। अगर हमसे कोई पूछे अच्छा भाई व्हाट इज इनर्शिया, और मैं इनर्शिया को डिफाइन करूं, तो इनर्शिया कुछ ऐसे डिफाइन होता है। इनर्शिया को हम कहते हैं कि भाई इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट सडन चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बाय डेफिनेशन इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा नेचुरल टेंडेंसी है ये, कि हर वो चीज जिसमें मास होता है वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। स्टेट को चेंज ना करने का मतलब यह है कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट पे ही रहे। वो रुका हुआ था, उसको चलाना मुश्किल है, उसको चलाने के लिए आपको धक्का लगाना पड़ता, यू नीड टू पुश। इसी तरह इफ समथिंग वॉज इन मोशन, इफ समथिंग वॉज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यू वॉन्ट टू स्लो इट डाउन और यू वॉन्ट टू लाइक स्पीड इट अप इवन फर्दर, आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। यू नीड टू फोर्सफुली कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट, वो खुद ब खुद नहीं करता। उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो अपनी हालत को रिटेन रखना चाहता, वो जैसा था वो वैसा रहना चाहता। तो इनर्शिया में आप यही कहते हो कि इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी दैट इट रेजिस्ट सडन चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। और यही बात आपने एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया। आप गाड़ी में बैठे ना, सही है, आप एकदम से स्पीड बढ़ाएं गाड़ी, तो आप क्या देखते हो कि आप पीछे की तरफ सीट के अंदर प्रेस हो जाते हो, क्योंकि आपकी जो बॉडी थी, जो आपका मास था, वो रेस्ट पर रहना चाह रहा। लेकिन जब आपने अपनी कार को या बाइक को एक्सेलरेट किया तो हुआ ये कि बाइक तो आगे निकलने की कोशिश कर रही है, आपकी बॉडी आगे नहीं जाना चाह रही। इसीलिए आप क्या करते हैं भाई, आप पीछे सीट के अंदर प्रेस इन हो जाते हो, आपका मास चाहता है कि वो वहीं रह जाए वो पहले। और इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में था, मिसाल के तौर पर बस में आप जा रहे थे, आप शोबाजी के चक्कर के अंदर हाथ छोड़ के खड़े में बस के, एकदम से बस ने ब्रेक सप्लाई की, जैसी बस ने ब्रेक सप्लाई किए आपके हाथ तो किसी ने जींस को पकड़ी भी नहीं थी, आपकी बॉडी भी उसी स्पीड पे थी जिस स्पीड पे बस थी, तो बस में तो ब्रेक लग गए, आप पे ब्रेक नहीं लगे। आपकी बॉडी की टेंडेंसी थी कि वो चलते रहना चाहती थी, अब सीधे उड़ते आगे की तरफ जाके गिरे। तो ये जो चीज है, दिस रेजिस्टेंस टू मोशन, इस चीज को आप इनर्शिया का नाम देते हो। कि एन ऑब्जेक्ट विशेस टू रिमेन एट रेस्ट इफ इट इज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट विशेस टू रिमेन इन मोशन इफ इट वॉज इन मोशन एंड इफ यू वॉन्ट टू चेंज दैट यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। फोर्स लगाए बगैर, जबरदस्ती किए बगैर उसकी डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को आप तब्दील ही नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू ब्रिंग अ चेंज इन दैट। इनर्शिया डिपेंड किस चीज पे करता है, अगर कोई मुझसे पूछे तो भाई दिस इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So inertia depends upon mass. The greater the mass, the larger would be the inertia. See, jitna zyada mass hoga, utna zyada inertia. आपके पास इस परस्पेक्टिव से चीजें चल, इसीलिए हैवी ऑब्जेक्ट्स को मोशन में लाना भी मुश्किल होता है, और हैवी ऑब्जेक्ट्स को अगर वो मोशन में थे तो उनको रोकना भी मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड स्टॉप अ हैवियर ऑब्जेक्ट कंपेयर टू अ लाइटर वन। हल्के ऑब्जेक्ट को चलाना भी आसान है, उसको रोकना भी आसान। तो यहाँ पे हमने इनर्शिया के परस्पेक्टिव को समझा। इनर्शिया क्या था भाई, इनर्शिया वॉज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनीथिंग दैट हैज मास, it wishes to stay in the same state as it was before.
सही, इट वॉज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनीथिंग दैट हैज मास कि इट विशेस टू स्टे इन दैट स्टेट इन विच इट वॉज बिफोर। अगर वो रुका हुआ था वो रुका रहना चाहेगा, अगर वो चल रहा था तो वो चलता ही रहना चाहिए। अगर आप उसकी स्टेट में चेंज लाना चाहते हैं तो फिर आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। और ये इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इनर्शिया मास पे डिपेंड है। जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा उसमें। आपने एक बार एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा अक्सर कि भाई अगर आपको एक ग्लास दे दिया जाए, उस ग्लास के ऊपर एक कार्ड शीट हो और उस पर एक कॉइन रख दे और आपसे बोले कि भाई इस कार्ड को ऐसे हिलाना है कि ये कॉइन इस ग्लास में गिरे, तो अगर कोई बंदा आहिस्ता 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 कार्ड निकालने की कोशिश करेगा ना तो कॉइन साथ साथ आ जाएगा उसके। तो हम क्या करते हैं, हम कॉइन कार्ड को फ्लिक करते हैं। सही, हम एकदम से कार्ड को मूव करवाते हैं, सही, अपने फिंगर के थ्रू फ्लिक करके। तो उसमें क्या होता है, कार्ड क्योंकि हल्का था वो तो आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से उड़ जाता है, लेकिन जो कॉइन था क्योंकि कंपेरेटिवली हैवियर था वो मूव नहीं होता, उसका इनर्शिया ज्यादा था ना, तो वो मूव नहीं होता और वो कॉइन सीधा ग्लास के अंदर गिरता। यहाँ पे भी आपके इनर्शिया गई पर्सपेक्टिव, कभी हैवियर ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टे इन द सेम स्टेट एज दे वर बिफोर। अब मास मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे हमने वो जॉट डाउन किए थे। एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था और एक हमारे पास बीम बैलेंस था। ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके पास जिनको आप यूज करते हो मेजरमेंट्स करने के, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का या बीम बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमने तकरीबन हर जगह देखा हुआ होता है, ये आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर चले जाओ वहां पे उनके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखे हुए। और बीम बैलेंस तराजू को इंग्लिश में बोला जाता है, तो तराजू भी आप सबने हमेशा देखा है कि एक तरफ एक पैन है अगली तरफ दूसरा पैन है। तो ये एक तरफ आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हो, अगली तरफ आप ग्रेजुएटेड मासेस रखते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में अगर आप बात करें कि भाई सर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है इट्स अ रीजन इन स्पेस अराउंड अ मास वेयर अनदर मास एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा थ्री डायमेंशनल एनवायरनमेंट किसी मास के अराउंड कि जहां अगर कोई दूसरा मास आ जाए तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाए। कि अगर मैं बात करता हूं कि मेरा अर्थ एक मेरा प्लैनेट जो है इसका अपना एक मास है, ठीक है, दैट्स माय प्लैनेट, और इसके अराउंड एक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ होगा, एक ऐसा थ्री डायमेंशनल एनवायरनमेंट एक ऑरा क्रिएट हुआ हुआ है कि अगर कोई भी मास इसकी विसिनिटी में आता है तो उस पर ग्रेविटी की फोर्स का असर होना शुरू हो जाएगा। दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ यू हैव एनीथिंग ओवर हियर इन द नियर बाय विसिनिटी जो आपके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को आपका अर्थ अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देता है, जिसको आप वेट की फॉर्म में फील करते हैं। आपको भी तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसीलिए अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा रीजन होता है किसी भी मास के अराउंड जहां अगर कोई दूसरा मास आ जाए तो उस पर ग्रेविटी की फोर्स लगना शुरू हो जाए। इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एंड दैट इज यूजिंग एरोज।
ये एरोस कैसे बनाए जाते हैं, लेट मी ड्रॉ देम फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू। ये हमारे पास मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड की लाइनें बनाई है और बेटा इनके सारे एरोस अंदर की तरफ आ, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इनटू द मास, बट देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ रीजन व्हाई आई डू दैट, मतलब मैं क्यों ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ बना रहा हूं और ये एरो क्या शो कर रहा होगा। याद रखिएगा द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन tells you the direction of force. See, aapki field line ka direction, yani aapke arrow ki direction, it tells you the direction of force. Kis cheez pe force? Force on any mass. Koi bhi mass agar wahan aa jaye, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का एरो ये बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स का लगेगी। अब देखो ना, आप यहाँ पे कोई सभी मास लेकर आ जाओ, आपका प्लेनेट उसे अट्रैक्ट ही करेगा, तो फोर्स कहीं भी चले जाओ ऐसे होगी जैसे कि आप अर्थ के या उस प्लेनेट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो। मतलब ये सारी फील्ड लाइन ऐसे बनाई गई है जैसे मानो कि बिल्कुल सेंटर की तरफ जाके कहीं ना कहीं मिल रही होगी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन किया, हमने कहा कि एक ऐसा 3D एनवायरनमेंट है, एक ऐसा सराउंडिंग रीजन है जहां पे अगर कोई दूसरा मास आ जाता है तो उस पे फोर्स लगना शुरू हो जाती है। ये ऐसे जैसे मैग्नेट्स के अराउंड होता है ना, अगर मैग्नेट के नजदीक कोई आयरन की नेल रख दो एकदम से चिपक जाता है वो मैग्नेट से, हालांकि मैग्नेट को वो टच नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी उससे अट्रैक्ट हो रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि मैग्नेट ने अपने अराउंड एक फील्ड पैदा की हुई होती है, एक ऐसा सराउंडिंग एनवायरनमेंट बनाया हुआ होता है उसने कि वो अपने नजदीक आती हुई हर मैग्नेटिक चीज के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। तो जैसे ही कोई चीज उसके बहुत नजदीक आ जाती है तो उसकी फोर्स की वजह से वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका मैग्नेट काम करता है वैसे आपकी अर्थ भी काम करती है। आपकी अर्थ के अराउंड भी एक इस तरह का 3D एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, आपकी अर्थ के अराउंड एक ऐसा रीजन पैदा हुआ हुआ है जहां मैग्नेट तो नहीं, खैर कोई भी मास आ जाए तो उस पर फोर्स लगती है और आपका प्लैनेट उस चीज को अपनी तरफ पुल कर लेता है। इसीलिए तो जो हमने जितनी भी फील्ड लाइन के एरोस बनाए, ये एरोस किस चीज को शो कर रहे हैं? ये एरोस उस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं जो आपके मास पे। तो आप कहीं पे भी मास ला के रख दो प्लैनेट के अराउंड, जो उस पर फोर्स लगेगी वो इनवर्ड होगी, इट विल बी एज इफ इट्स टूवर्ड्स द सेंटर। आप यहां मास ला के रख दो, इट विल बी एज इफ इट्स टूवर्ड्स द सेंटर। यहां मास लाके रख दो, इट विल बी एज इफ इट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो तमाम फील्ड लाइंस आपको सेंटर की तरफ जाती हुई नजर। सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस चीज पे ऑन एनी ऑफ द मास अराउंड। देखो उस फील्ड में कोई भी मास आ जाए तो उसको जो फोर्स की डायरेक्शन है उसे आपको पता। तो हमने एरो का मतलब तो समझ लिया, लेकिन एक और चीज है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन में जो आपके काम होती है, वो है इन फील्ड लाइंस के दरमियान का गैप। अगर आप इन दो को ही गौर करो आपको एहसास होगा यहाँ पे ये गैप कम है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो ये गैप बढ़ता जा रहा है, द गैप इंक्रीज। फील्ड लाइंस के दरमियान का गैप आपको फील्ड की स्ट्रेंथ बताओ। आप जैसे मैग्नेट के ज्यादा करीब ला के चीज रखते हो तो वो ज्यादा तेजी से और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर मैग्नेट से कोई चीज दूर रखी हुई है तो अट्रैक्शन होती है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि जब आप मैग्नेट से दूर चले जाते हो तो उसकी फील्ड वीक पड़ जाती है। ये ऐसा ही है जैसे कि बंदा अगर परफ्यूम लगा के आया हुआ है तो अगर आप उसके करीब खड़े हुए हो तो आपको उस परफ्यूम की स्मेल बहुत स्ट्रांगली आ रही होगी, लेकिन अगर आप उससे दूर जाके खड़े हुए हो तो आपको उसकी परफ्यूम की स्मेल इतनी अच्छी या इतनी स्ट्रांगली फील नहीं होगी, क्योंकि उसकी इस परफ्यूम ने जो उसके अराउंड एक फील्ड बनाई हुई थी
वो उसके नजदीक नजदीक तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे जैसे आप उस बंदे से दूर जा रहे हैं वो उसकी फील्ड का इफेक्ट कमजोर हो। यही मामला मैग्नेट्स में होता है, और बिल्कुल ही ऐसा आपके प्लैनेट्स के साथ भी होता है कि आप प्लैनेट के जितने करीब हो गए आपको उस प्लैनेट की उतनी ज्यादा फील्ड स्ट्रांगली एक्सपीरियंस होगी, और आप प्लैनेट से जितना दूर जाते चले जाओगे आपकी फील्ड उसके ऊपर लगती भी जो होती है वो भी कुछ। तभी तो आप देखते हो कि बहुत दूर कहीं आउटर स्पेस स्टेशन के अंदर आपके एस्ट्रोनॉट्स आपको फ्लोट होते हुए लग रहे होते, कि उनपे जो लगती भी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वीक हो चुकी होती है और उनपे उसका असर जो है वो बहुत कम हो जाता है। सो दे डोंट अपीयर टू बी एक्चुअली लाइक फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, दे फील लाइक दे फ्लोटिंग इन इट। तो यही बात आपको इन फील्ड लाइंस के जो एरोज हैं उनका गैप पता चलता है, जैसे डायरेक्शन से फोर्स पता चलती है वैसे ही द गैप बिटवीन द फील्ड लाइन्स tell about the strength of the field. So, आपको फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है। If you have less gap, this means you have a strong field. But if you have more gap, this means you have a weak field. तो नियर द प्लैनेट आपकी फील्ड लाइंस करीब करीब है तो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अवे फ्रॉम द प्लैनेट आपकी फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो ये इस बात को शो करने के लिए है कि आपकी फील्ड वीक हो चुकी है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। Once we have an idea of what a gravitational field is, अब हम बात करते हैं इस फील्ड की स्ट्रेंथ पे, जिसका भी मैं बोल रहा था ना कि अगर आप प्लैनेट के करीब होते हो तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, प्लैनेट के दूर जाते हो तो फील्ड वीक है। अब हम उस चीज से बात करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को आप डिफाइन करते हो कुछ ऐसे, इट इज द फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। It is the force per unit mass at a point in a gravitational field. The force per unit mass is kya matlab hai? Let me explain you this. Dekho, hamara Earth jo hai, ya koi bhi planet, uski ek particular gravitational field hoti hai, jiski wajah se uski ek particular gravitational force paida hoti hai. Wo har object ko bilkul unbiased tarike se apni taraf attract karta hai. लेकिन उस प्लैनेट की खास बात ये होती है किसी भी प्लैनेट की कि भाई वो पर किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे फोर्स सेम लगता है। पर किलोग्राम से मुराद ऐसी है कि कभी अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग पे जाओ, आप बोलते भाई मुझे राइस परचेज करना है, आप जब शॉपकीपर के पास जाते हो तो आपका शॉपकीपर क्या करता है, वो आपको ये बताता है कि भाई सर ये मैम पर केजी इस राइस की प्राइस ये है, मिसाल के तौर पर 200 रुपीज पर किलो ये राइस की कॉस्ट, 1 किलो राइस 200 रुपीज। अब आपको कितना परचेज करना है ये तो आपको पता है, तो आप अपने जहन में मल्टीप्लाई करके जज कर लेते हो कि अच्छा ठीक है 1 किलो 200 रुपए का है तो आई एम सपोज टू लाइक बाय 10 किलोग्राम ऑफ राइस फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 किलो राइस परचेज करने, 1 किलो 200 का है तो 10 किलो 2000 रुपए का हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 10 किलो दे दीजिए आप एंड यू गोना पे
2000 rupees for that person. तो आपको शॉपकीपर क्या करता है, he doesn't give you the entire value. अब वो आपको 10 किलो प्राइस नहीं बताएगा 10 किलो की, वो आपको बोलेगा भाई 200 rupees है पर किलोग्राम, आपको जितना परचेज करना है आप बता दें, मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आप कितने पैसे. बिल्कुल ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको ये नहीं बताती कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी, वो बताती है कि पर किलोग्राम कितनी फोर्स लग रही है. कि अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता, सही, कि अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता जिसका मास m होता और उस पर फोर्स लग रही होती f के बराबर की, उस पर फोर्स लग रही होती f के बराबर की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर किलोग्राम ऑफ मास. पर केजी आपके पास उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, जैसे अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसके सरफेस पे 9.81 है न्यूटन्स पर किलोग्राम. 9.81 न्यूटन्स पर किलोग्राम का मतलब बताऊं क्या है, 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ experiences 9.81 newtons of force. एक किलोग्राम का ऑब्जेक्ट आपके अर्थ के ऊपर 9.8 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस करती ऑन द सर्फेस ऑफ योर अर्थ टू बी एग्जैक्ट. कि अगर अर्थ के सर्फेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता तो उस एक किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे आपके पास इतनी फोर्स आती 9.8. और मून, मून कंपैरेटिवली छोटा है, मून की ग्रेविटी होती है 1.6, क्योंकि वो मास में छोटा है ना, तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता. तो अगर एक किलोग्राम का ऑब्जेक्ट मून पे रखा होता तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो 1.6 की होती. So it experiences 1.6 newtons of force. तो किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि वहां मौजूद ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगा. अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए आप उसके ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. मतलब अगर मुझे कोई बोलता है कि सर नहीं मुझे टोटल फोर्स बताएं, जैसे मेरे ऊपर मेरे अपने सेल्फ पे कितनी फोर्स लग रही है, अर्थ तो 9.81 न्यूटन लगाता है लेकिन मेरा मास तो 1 kg नहीं है ना सर, मेरा मास तो मिसाल के तौर पर मेरा मास 50 kg है सर, मुझ पे कितनी फोर्स लग रही होगी. तो अगर आप वो टोटल फोर्स निकालना चाहते हो तो आप उस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को अपने ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दो. ये जो फोर्स आती है ना बेटा, दिस फोर्स इज कॉल्ड योर वेट. वेट बोल जिसके लिए आप अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिखते हो W=mg. और आप वेट को डिफाइन ऐसे करते हो द पुल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास इज कॉल्ड वेट. कि किसी मास पे ग्रेविटी के असर को उसका वेट कहा जाता है और W=mg से आप उसे कैलकुलेट कर सकते. ऑल यू हैव टू डू इज टू नो कि मेरे ऑब्जेक्ट का मास कितना था और मेरा ऑब्जेक्ट कौन से प्लेनेट पे मौजूद. आप उसके आराम से वेट की वैल्यू को फिगर आउट कर सकते हैं. बाकी हम ये लिख देते हैं कि भाई लार्ज प्लैनेट्स have a strong gravitational field
एंड स्मॉल प्लैनेट्स हैव वीक ग्रेविटेशन फील्ड्स. लार्ज प्लैनेट्स की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रांग होती है और स्मॉल प्लैनेट्स की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ आपकी वीक होती है. यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछो. डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास. बट देखो वेट प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है क्योंकि वेट इज एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन योर मास. वेट जो है वो आपके प्लैनेट की ग्रेविटी का असर है मास के ऊपर. तो इट वुड चेंज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट. मास विल नॉट चेंज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट यू हैव इनसाइड यू. आपको हम यहां से उठा के मून के ऊपर ले जाएं तो आप वहां पे जाके अपना मास थोड़ी कम कर दोगे. आप में जितना मैटर पहले था उतना ही मैटर अभी भी होगा. यू स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड यू. जो चीज चेंज होगी वो आपका वेट होगा क्योंकि उस जगह पे आपकी जो फोर्स है ग्रेविटी की वो कमजोर थी तो वहां आप इतने ताकत से अट्रैक्ट नहीं हो रहे होगे सरफेस. बाकी वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. छोटा सा अगर हम डिफरेंस कर लें मास और वेट का ही ताकि आपके लिए कंक्लूजन करना आसान हो जाए. तो मास और वेट के डिफरेंस में सबसे पहले तो आप यही कोट कर सकते हो कि भाई जो उसकी डेफिनेशन है मास था भाई अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी. जबकि वेट को आपने डिफाइन किया था इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ऑन मास ये आपके पास वेट होता. फिर एक ऐसा यूनिट आप कह सकते थे किलोग्राम्स था. दूसरे का ऐसा यूनिट आपके पास न्यूटन्स था क्योंकि एक फोर्स है एक मास है अलग अलग क्वांटिटीज है. फिर मास स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. मास आपका कांस्टेंट रहता है नो मैटर वेयर यू गो. जबकि वेट एक्चुअली चेंजेस from planet to planet. क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है वो. आपको कंफ्यूजन
25 किलो क्वांटिटीज वो होती थी जिनके अंदर आपके पास सिर्फ वैल्यू होती थी, जिनकी डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे अगर मैं आपसे मास पूछूं तो मास की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, वेट की डायरेक्शन है। अब आप पूछेंगे सर कहाँ, वेट की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। अगर आपके पास किसी सर्फेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो और मैं आपसे बोलूं कि भाई इस ऑब्जेक्ट का वेट बना के दिखाओ आप मुझे, और इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट को मैं एक एंगल पर टिल्ट करके रख दूं मिसाल के तौर पर ऐसे, मैं बोलूं मैं मुझे इस ऑब्जेक्ट पे इनका वेट बना के दिखाओ, तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है क्योंकि वो फोर्स है और वो प्लेनेट के सेंटर की तरफ जाती है। इसी तरह अगर यहां पे भी दिखाना होता तो मैं वेट को हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाता। डायरेक्शन ऑफ वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। Towards the center of Earth. Chalo, if that's clear to you guys, so we'll keep it in here today. Inshallah, kal class mein hum density ka concept karenge and we'll do some possible questions for momentum. All right, dear friends. Khayal rakhna beta aap log apna. Take care. Allah Hafiz.